आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। प्रदेश में सपा सरकार न होने के बावजूद भी सफाई खुलेआम आचार संहिता के धज्जियां उड़ा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में सपा का सिंबल मिलते सपा नेता अरशद जमाल ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद उल्लंघन के मामले में प्रदेश में पहला यह व्यक्ति सपा नेता है जिस पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले में सपा नेता ने अपने सिर का ठेकड़ा बीजेपी के सिर पर फोड़ दिया और कहा कि हम सपा नेता हैं और जो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें भाजपा वालों का हाथ है। लेकिन बीजेपी वालों को बता देना चाहता हूँ कि मुकदमा दर्ज कराने से मेरा या जनता का हौसला कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। वही सीईओ ने कहा कि चेयरमैन पद के उम्मीदवार अरशद जमाल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ऐसा क्यों? आचार संहिता देखिए, सत्ता है तो अब मुकदमा तो दर्ज होगा ही ना। सत्ता किसकी आप देखिए? नहीं, आप सुनिए, निर्वाचन आयोग एक अलग चीज है, सत्ता के अंदर नहीं, निर्वाचन आयोग ने किया है तो अब ये सत्ता का ही सब। तो अभी कई मुकदमे दर्ज होंगे चुनाव तक, मुझे ऐसा लगता है कि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमे हो रहे हैं। अभी तो कुछ दिन पहले कहना है मेरे घर ही गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया। ये सब सत्ता का ही प्रभाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुकदमा कायम करने से वोटर नहीं बदलेंगे, या ना मुकदमा कायम करके आप हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं। सरकार जो कम्युनलिज्म फैलाना चाहती है या जो फिरकापरस्ती फैलाना चाहती है या ख़ास तरीके से जो दबाना चाहती है लोगों को, किसी भी दबाव में समाजवादी पार्टी के न नेता आने वाले हैं और न कार्यकर्ता आने वाले हैं। इस बात से जमान इनके पक्ष में पोस्टर लगे हुए थे, उस पोस्टर को उतरवाया गया है, पुलिस के कब्जे में लिया गया है और इस संबंध में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए धारा 171 च के तहत चौकी इंचार्ज खीरीबाग श्री विनोद कुमार तिवारी के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।